प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा छठी हिंदी का कठपुतली यह पाठ देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारे समाज में बहुत जगह पे अंधविश्वास फैला हुआ है। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बिना उसके ऊपर सोचे हुए उस पर विश्वास रखना, इसे हम अंधविश्वास कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे बाबा मांत्रिक लोगों को अंधविश्वास की मदद से ही फंसाते हैं। कठपुतली यह पाठ हमें उसी को दूर करने की प्रेरणा देता है। इस पाठ में हमें किसी भी चीज की तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब उस चीज का पूरा अभ्यास किए बिना उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बात सिखाती है कठपुतली। इस कहानी में हमें बताया गया है कि प्रीति अपने दोस्तों के साथ शहर में लगे आनंद महोत्सव में गई है और वहां पे उसको एक कठपुतली का नृत्य आकर्षित करता है। प्रीति अपने दोस्तों के साथ वो नृत्य देखने के लिए जाती है। वहां पे उसको सिर्फ कठपुतली का नृत्य ही नहीं दिखाई देता है, वहां जो सूत्रधार रहता है वो अलग अलग कृतियां करके समाज में कैसे अंधश्रद्धा फैली हुई है इसके बारे में सबको बताता है। कठपुतली के माध्यम से सूत्रधार हमें अलग अलग उदाहरण देकर ये बात समझाता है। जैसे कि बहुत बार मांत्रिक हमें फंसाते हैं नारियल में से फूल निकालना या नारियल में से कीले निकालना, पर उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है, ये हम बिल्कुल नहीं देखते। हमें लगता है कि वो मांत्रिक कोई जादू कर रहा है। दूसरी चीज होती है, जब कोई बिल्ली हमारा रास्ता काटती है तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ अब बुरा होगा, तो हम ये शगुन और अपशगुन इसमें मानने लग जाते हैं। शगुन यानी कि कोई अच्छी घटना घटने का संकेत और अपशगुन यानी कोई बुरी घटना घटने का संकेत। पर सच में ऐसा होता है क्या? आपने कभी इस पर सोचा है या फिर आपने अपने घर में या आजू बाजू में कहीं इसके बारे में कुछ सुना है क्या? तो चलिए कठपुतली इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, शकुन अपशकुन सच में होता है या सिर्फ हमारे मन का वहम होता है, और अंधविश्वास हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पाठ में हम वी स्कूल के माध्यम से सीखेंगे आज।